हाय, मेरा नाम है दक्ष और ये वीडियो भी मैंने ही एडिट की है। तो यार मुझे भी तुम लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा मेरे नाम से, सो गो एंड सब्सक्राइब नाउ। 3 जून होगी वो तारीख जब भारतीय फुटबॉल टीम यहाँ पे उतरेगी कतार के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अपने 6ठे मुकाबले में। और जो रुका हुआ अभियान था भारतीय फुटबॉल टीम का कोरोना के चलते फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और AFC एशियन कप 2023 क्वालिफिकेशंस के लिए, वो फिर से 3 जून को स्टार्ट होगा। और फिर उसके बाद 7 जून और 15 जून को आखिरी दिन यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के सेकंड राउंड को यहाँ पे फिनिश करेगी भारतीय फुटबॉल टीम। और उसके बाद जो यहाँ पे स्टैंडिंग होगी उस पर निर्भर करेगा कि भारतीय फुटबॉल टीम का आने वाला अभियान कौन सा होने वाला है। क्या वो AFC एशियन कप के लिए यहाँ पे जाएगी फाइनल राउंड क्वालिफिकेशंस में, यहाँ पे उसे प्ले ऑफ राउंड्स खेलना पड़ेगा, या यहाँ पे अगर किस्मत बहुत ही अच्छा साथ देती है ओमान अपने बचे हुए सारे मैचेस हार जाती है और भारतीय फुटबॉल टीम अपने बचे हुए सारे मैचेस जीत जाती है, तो वो हमें यहाँ पे थर्ड राउंड में दिखेगी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस के। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे टॉप प्लेइंग 11 की, जो भारतीय फुटबॉल टीम को फील्ड करनी चाहिए, इगोर शमिश जो यहाँ पे फॉर्मेशन यूज़ करते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 11 खिलाड़ी इस फॉर्मेशन के साथ अगर उतरते हैं तो ये बहुत ही धमाकेदार टीम होगा और किसी भी टीम को जो अभी इनके ग्रुप में है उसको कड़ी टक्कर बांग्लादेश और अफगानिस्तान को तो आसानी से यहाँ पे बहुत ही हैवी पड़ सकती है उन दोनों टीम्स पे, और कतर को भी एक अच्छी टक्कर दे सकती है भारतीय फुटबॉल टीम। दोस्तों मेन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आप लोग सभी के लिए मेरे पास यहाँ पे। मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ IKF यानी कि इंडिया खेलो फुटबॉल एसोसिएशन के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें इनके पार्टनर्स की तो है PFSA प्रोफेशनल फुटबॉल स्काउट्स एसोसिएशन, जो कि यहाँ पे एक UK बेस्ड एसोसिएशन है। फाउंडेड इसको यहाँ पे 2010 में किया गया था और इनका जो यहाँ पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, अगर आप इनके साथ ट्रेन करते हो तो उस सर्टिफिकेट का एक्सेप्टेंस बड़ी बड़ी क्लब्स जैसे रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, जुवेंटस, चेल्सी और एवर्टन, अब जितनी भी बड़ी क्लब्स ले सकते हो उनका नाम, सारे में इनका एक्सेप्टेंस है। और इनके जो यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं प्रो सॉकर ग्लोबल, वो काफ़ी जाने माने एक एसोसिएशन है जो हेल्प करती है यहाँ पे डेवलपिंग फुटबॉल प्रोफेशनल्स। आप चाहे यहाँ पे एकेडमिकली इसमें ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप एज अ नॉन प्लेयर करियर बनाना चाहते हैं, अगर एज अ प्लेयर करियर बनाना चाहते हैं तो प्रो सॉकर ग्लोबल एक ऐसी चीज़ है जो आपको मदद करती है। अब जो मेन चीज़ है उनका यह है कि ये जो है एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे, दो सेक्शंस में डिवाइड करके एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे स्काउटिंग की। और यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स यहाँ पे ऑप्ट करते हो। इसमें प्रीरिक्विजिट यही है दोस्तों कि अगर आप 18 प्लस हो, आपको फुटबॉल के बारे में यहाँ पे अच्छा खासा ज्ञान है, या आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज है फुटबॉल के बारे में, और आप फुटबॉल के बारे में एंथुजियास्टिक हो, फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहते हो एज अ स्काउटर, तो आपके लिए ये कोर्स है। और जिनको भी लगता है कि वो फुटबॉल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वो प्लेयर अपने प्लेइंग करियर के बाद या उन्हें लगता है वो खेल तो नहीं पाए लेकिन उनको फुटबॉल में अपना करियर बनाना है, तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये PFSA लेवल 1 टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कोर्स है, जहाँ पे आपको यहाँ पे एज अ स्काउटर ट्रेन किया जाएगा। 3 घंटे का ये कोर्स होगा ऑनलाइन, और यहाँ पे आपको ये कोर्स करने के बाद जो पहला कोर्स है जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपको PFSA लेवल 1 टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको यहाँ पे सारे जगह पे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, जुवेंटस, चेल्सी, एवर्टन जैसे क्लब्स में इस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अहमियत दी जाती है। अगर हम बात करें कि दूसरे कोर्स के बारे में जो कि थोड़ा सा एडवांस कोर्स है, इसके लिए भी प्रीरिक्विजिट वही है कि आप 18 प्लस होने चाहिए, आपको फुटबॉल के बारे में आप नॉलेज होनी चाहिए, आप एंथुजियास्टिक होने चाहिए फुटबॉल के बारे में, और यही चीज़ यहाँ पे आपको प्रीरिक्विजिट चाहिए। और ये जो कोर्स है दोस्तों वो 6 घंटे का है, और जो यहाँ पे टॉप 40 परफॉर्मर्स रहेंगे इस कोर्स के, उनके लिए प्लस 1 आवर का और कोर्स होगा, प्लस उनके लिए पेड इंटर्नशिप भी होगा। आप जितनी भी फीस पे करोगे वो आपको वापस मिलेगी, और साथ में आपके लिए पेड इंटर्नशिप होगा। आपको मौका मिलेगा जो टॉप 40 यहाँ पे स्काउट्स होंगे वो IKF के जो रोड टू यूरोप 2021 जोनल फाइनल्स में जो ये सिलेक्शन करेंगे उसमें आपको पार्ट लेने का मौका मिलेगा। और साथ में ही जो प्रीमियर लीग स्काउट्स आते हैं यहाँ पे इंडिया में बच्चों को यहाँ पे स्काउट करने के लिए, उनके साथ भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। और अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हो तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप किसी बड़े क्लब के साथ, किसी बड़े यूरोपियन क्लब के साथ काम करते हुए दिखो। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है दोस्तों वो इस कोर्स को ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर ऑप्ट करें। और अगर आप मेरा दिया हुआ कोड यहाँ पर यूज़ करते हो पहले वाले कोर्स के लिए जिसका दाम यहाँ पे 4100 है, तो आपको यहाँ पे 250 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। और जो दूसरा कोर्स है जिसका दाम यहाँ पे 6750 रुपीज़ है, वहाँ पे आपको 500 रुपीज़ ऑफ मिलेगा।
तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है रजिस्ट्रेशन का और इनके यहाँ पे वेबसाइट का, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ में मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने मेन वीडियो की। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे गोलकीपर से, और हमारे पास तीन गोलकीपर हैं। तीनों यहाँ पे बिल्कुल टॉप क्लास गोलकीपर्स हैं। ऐसे तीनों गोलकीपर्स हैं जिनमें से तीनों में से किसी को भी खिलाया जा सकता है, लगभग सेम परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। और जिस खिलाड़ी का अच्छा दिन रहेगा, अगर उसे उस दिन खिलाया जाए, तो शायद कोई भी टीम हो सामने, वो गोल नहीं दाग पाएगी। तो मेरे हिसाब से कतर के खिलाफ जैसा प्रदर्शन रहा था गुरप्रीत सिंह संधु का पिछले बार, तो मैं गुरप्रीत सिंह संधु के साथ ही जाऊँगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अमरिंदर के बारे में, तो अमरिंदर बेशक एक बहुत ही अच्छे गोलकीपर हैं, बहुत ही तगड़े गोलकीपर हैं, मैं कोई शक नहीं है। और साथ में ही धीरज भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, एशियल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया। तो मैं तीनों में से किसी के साथ भी जा सकता था। अगर आपका कोई यहाँ पे पर्सनल चॉइस है, तो मेरी आपसे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह का यहाँ पे प्रदर्शन यहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधु का कतर के खिलाफ रहा था, उस बेसिस पे, उस कॉन्फिडेंस के हिसाब से मैं यहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधु को कतर वाले मैच के खिलाफ यहाँ पे जो है उसके लिए एज अ गोलकीपर सेलेक्ट करूँगा। और बाकी दो मैचेस के लिए चेंज हो सकता है। अगर स्पेशली मैं कतर के मैच के बारे में बात करूँ, तो उसके लिए मैं गुरप्रीत सिंह संधु को चुनूंगा। उसी अगर हम बात करें यहाँ पे दो सेंट्रल डिफेंडर्स की, तो मैं दोस्तों यहाँ पे जाऊँगा संदेश झिंगन के साथ और यहाँ पे सना सिंह के साथ। यहाँ पे मेरी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है किसी भी खिलाड़ी के साथ, और मेरे पास और इन दोनों के अलावा मेरे पास कोई अच्छे ऑप्शन नहीं है दिमाग में, इसलिए मैं यहाँ पे संदेश झिंगन और सना सिंह के साथ जाऊँगा। यहाँ पे बेशक मेरे पास कोई डाउट नहीं है, और इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के साथ मैं जाऊँगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर राइट बैक और लेफ्ट बैक के बारे में, तो मैं राइट बैक में जाऊँगा यहाँ पे प्रीतम कोटाल के साथ में। मेरे पास राहुल भेके भी हैं, लेकिन प्रीतम कोटाल के साथ मैं जाऊँगा यहाँ पे स्पेशली कतर के खिलाफ, क्योंकि थोड़े से फिज़िकली वो ज़्यादा मजबूत हैं इन कंपेरिजन टू राहुल भेके। और राहुल भेके कभी कभी ऐसा होता है कि वो जल्दबाजी में यहाँ पे बहुत ही डेंजरस पोजीशंस पे टैकल कर देते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ प्रीतम कोटाल के साथ। और एज अ लेफ्ट बैक मैं प्रदर्शन पे एक युवा यहाँ पे खिलाड़ी पे विश्वास करूँगा, आकाश मिश्रा के साथ मैं जाऊंगा, क्योंकि उनका प्रदर्शन जो था यहाँ पे ओमान और यूएई के खिलाफ भी अच्छा था इन कंपैरिजन टू द टीम्स परफॉर्मेंस। और उनका जो प्रदर्शन आईएसएल में था, वो भी काफ़ी मैच्योर लेवल पे उन्होंने परफॉर्म किया था, जिसके चलते मैं यहाँ पे आकाश मिश्रा के साथ जाऊँगा बेशक विदाउट एनी डाउट। अगर यहाँ पे मैं सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर की बात करूँ, तो यहाँ पे एक पोजीशन को लेके मेरे पास काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूज़न है राहुलिन और अपुइया के बीच में। राहुलिन मेरे हिसाब से स्टार्ट करने चाहिए, और आफ्टर 42 मिनट्स उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए अपुइया से। राहुलिन के साथ यह है दोस्तों कि वो स्टार्ट तो काफ़ी अच्छा करते हैं, गेम के शुरुआती मिनटों पे बहुत ही अच्छा दमदार परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन उनके साथ ये दिक्कत है कि वो स्टैमिना में मात खाते हैं, और आफ्टर 60-70 मिनट वो बिल्कुल ही थक जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पे उनकी टीम को हमेशा नुकसान झेलना पड़ता है अगर पीछे से कुछ दिक्कतें हुई तो। इसलिए मैं राहुलिन बॉर्चेस को 60 मिनट्स तक जाते हुए भी इंतजार नहीं करूँगा, और 42 मिनट्स के बाद मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा उनको अपुइया के साथ। अगर हम बात करें अपने दूसरे सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर की, तो मैं जाऊंगा अनिरुद्ध थापा के साथ। एक क्रिएटिव डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है किसी भी कोच के लिए, और कोई भी जो यहाँ पे टीम सेलेक्ट कर रहा हो, तो मैं अनिरुद्ध थापा के साथ ही जाऊँगा। अगर हम बात करें सेंट्रल अटैकिंग फील्डर की, तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, ब्रैंडन फर्नांडिस और शाह अब्दुल समद का। मैं यहाँ पे दोनों में से किसी के साथ भी जा सकता हूँ। ब्रैंडन फर्नांडिस के साथ मैं दोस्तों चाहूँगा कि स्टार्ट करूँ, और या शाह अब्दुल समद के साथ स्टार्ट करूँ और ब्रैंडन फर्नांडिस के साथ यहाँ पे मैच को एंड करूँ। तो मेरे हिसाब से ब्रैंडन आफ्टर यहाँ पे जैसे शाह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे ब्रैंडन आने चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट विंगर की, तो लेफ्ट विंग में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हूँ कि मैं किसके साथ जाऊँ। मैं छांटे और आशिक टूमियन में यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। अगर आप बात करूँ कि बिपिन सिंह को मुझे लेना चाहिए, तो बेशक बिपिन सिंह बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन कतार के खिलाफ मैं बिपिन सिंह को नहीं चुनूंगा। मैं यहाँ पे बांग्लादेश या अफगानिस्तान के खिलाफ बिपिन सिंह को चुनूंगा, लेकिन कतार के खिलाफ मैं बिपिन सिंह को नहीं चुनूंगा, क्योंकि फिजिकली वो खिलाड़ी उतने दमदार नहीं हैं। इसलिए मैं आशिक कुरुनियन या लालिंजवाला छांगटे के साथ जाऊंगा। ज़्यादातर चांसेस है कि मैं आशिक कुरुनियन के साथ जाऊंगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर राइट विंगर की, तो मैं जाऊंगा मनवीर सिंह के साथ। और मनवीर सिंह मेरे हिसाब से एज अ सब्स्टिट्यूट भी आ सकते हैं, उदांता स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मनवीर सिंह एज अ सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं।
ये था यहाँ पे जितने भी ऊपर की टीम थी। अब मेरे पास बचे यहाँ पे सेंट्रल फॉरवर्ड की पोजीशन। सेंट्रल फॉरवर्ड पे दोस्तों मैं चाहूँगा सुनील छेत्री के साथ, सुनील छेत्री के साथ स्टार्ट करूँगा और एंड मेरे हिसाब से मेरे को करना चाहिए यहाँ पे ईशान पंडिता के साथ, और छेत्री के साथ स्टार्ट और ईशान पंडिता के साथ एंड। ऐसा भी हो सकता है कि छेत्री यहाँ पे लेफ्ट विंगर के पोजीशन पे आ जाए, जो लेफ्ट विंगर है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और सेंट्रल फॉरवर्ड पे यहाँ पे ईशान पंडिता को ले आया जाए। और आफ्टर सम टाइम अगर यहाँ पे आप उदांता के साथ स्टार्ट करते हैं तो उदांता को सब्स्टिट्यूट करके एक मनवीर सिंह को ले आए, अगर आपको यहाँ पे अटैकिंग गेम खेलना है यहाँ पे गेम के आखिरी क्षणों में। तो ये है मेरे हिसाब से टीम। आपको दोस्तों कैसी लगी वो मेरे को ज़रूर बताना, और आपकी भी जो टीम है दोस्तों वो ज़रूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि आपके हिसाब से क्या टीम होनी चाहिए, कौन से प्लेयर मैंने मिस किए और कौन से प्लेयर यहाँ पे होने चाहिए। जो भी प्लेयर दोस्तों मैंने मिस किए हैं उसको मिस नहीं किया, मैंने सबको कंसिडर किया है। अगर नाम नहीं लिया तो अगर आप किसी के फ़ैन हो तो आप बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, मैंने सबको कंसिडर किया है। मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसके हिसाब से उस टीम कॉम्बिनेशन में कौन कौन खिलाड़ी बैठता है, उसलिए मैंने ऐसी टीम चुनी है। हो सकता है कि जो यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ मैच हो या अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हो उसमें मेरे पास एक टोटली डिफरेंट यहाँ पे टीम होगी। तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है आप किसी भी टीम से, आप अपने टीम को बेशक यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि क्या टीम होनी चाहिए कतर के खिलाफ और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। और तब तक के लिए दोस्तों यहाँ पे स्पो कॉम्बैट को सपोर्ट करते रहो, इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहो, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है दोस्तों तो मैं क्या ही बोलो भाई, फॉलो कर दो यार। मतलब कि इतना यहाँ पे मेहनत लगता है वहाँ पे वीडियो एडिटिंग में, और यहाँ पे अपडेट यहाँ पे मैं सबसे पहले वहाँ पे लाके देता हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे रहम दिखाओ और यहाँ पे जाके फॉलो कर दो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो करते हैं खत्म, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तों बहुत ही जल्दी एक प्री एनालिसिस वीडियो के साथ इंडिया वर्सेस कतर वाले मैच के लिए।